तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्रिंगस्टन सेक्शन थ्री के पार्ट टू के बारे में दोस्तों अभी हाल ही में इसका एक तरह से सेक्शन थ्री का पार्ट वन रिलीज़ किया गया है जो कि लोगों द्वारा बड़ा पसंद किया गया और पिछली फ्रेंचाइजी के मुकाबले इस समय इसका जो ट्राफिक आया है नेटफ्लिक्स पर पैंतालीस मिलियंस का है जो कि बहुत ही बढ़िया है और रेटिंग की बात की जाए तो इस सीरीज़ की रेटिंग सेवन की है टेन में से और एटी पर एटी की इसकी रेट टोमेटो तो इसकी रेटिंग यानी धहासु रेटिंग है परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है और इसी वजह से इसकी सेक्शन थ्री को दो पार्ट डिवाइड करके रिलीज किया गया है पार्ट टू के ऊपर हमने एक तरह से ये जो वीडियो है बनाई है बाकी पार्ट वन सेक्शन थ्री के पार्ट वन के ऊपर आप हमारी पुरानी वीडियो चेकआउट कर सकते हो आई बटन पर मैंने उसकी लिंक दे दी है अब हम इसके पार्ट टू के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी बताते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं ब्रिजरटन एक अमेरिकी ऐतिहासिक रोमांस टेलीविजन श्रृंखला है जो नेटफ्लिक्स के लिए क्रिस वान ड्यूसेन द्वारा बनाई गई है जूलिया क्विन की पुस्तक श्रृंखला पर आधारित यह नेटफ्लिक्स के लिए शोंडालैंड लैंड का पहला स्क्रिप्टेड शो है यह एक काल्पनिक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है और 1800 के दशक की शुरुआत में सामाजिक मौसम के दौरान लंदन के रीजेंसी युग की प्रतिस्पर्धी दुनिया में स्थापित है जहां युवा विवाह योग्य कुलीनता और सज्जनता को समाज में पेश किया जाता है पहला सीजन 25 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ दूसरे सीजन का प्रीमियर 25 मार्च 2022 को हुआ सीरीज को अप्रैल 2021 में तीसरे और चौथे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया एक मई 2023 में क्वीन चार्लोट ए ब्रिजर्टन स्टोरी रिलीज हुई क्वीन चार्लोट पर केंद्रित एक स्पिन ऑफ श्रृंखला तीसरे सीजन का प्रीमियर दो भागों में होगा पहला प्रीमियर 16 मई 2024 को हुआ और उसके बाद दूसरा 13 जून 2024 को होगा शो के दूसरे सीजन ने एक रिकॉर्ड बनाया और एंटरटेनमेंट वीकली के अनुसार ब्रिजर्टन को एक फ्रेंचाइजी के रूप में स्थापित किया तीन ब्रिजर्टन को इसके निर्देशन अभिनेता प्रदर्शन निर्माण और सेट डिजाइन के लिए सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया इसने दो टाइम क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स एक मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट गिल्ड अवार्ड्स जीते और प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में नामांकन जीता सैटेलाइट पुरस्कार और एनएएसीपी पुरस्कार क्रिस बोवर्स के संगीत स्कोर ने विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कोर साउंड ट्रैक के लिए ग्रैमी अवार्ड नामांकन अर्जित किया परिसर रीजेंसी युग की पृष्ठभूमि पर आधारित कुलीन और शक्तिशाली ब्रिजर्टन परिवार के आठ घनिष्ठ भाई बहन एंथोनी बेनेडिक्ट कॉलिन डेफने, एलोइस फ्रांसेस्का ग्रेगरी और हाइसिंथ प्यार की तलाश में लंदन के उच्च समाज में घूमते हैं घिरे हुए हैं मित्रों और प्रतिद्वंद्वियों द्वारा समान रूप से ब्रिजर्टन वृक्ष। एडमंड आठवां विस्काउंट ब्रिजर्टन वायलेट डाउजर विस्काउंटेस ब्रिजर्टन एंथोनी नवे विस्काउंट ब्रिजर्टन बेनेडिक्ट कॉलिन दैफनी एलोइस फ्रांसिस्का ग्रेगरी हेचिंथ कलाकार और पात्र मुख्य लेख ब्रिजर्टन पात्रों की सूची मुख्य जोनाथन बेली ने एंथोनी विस्काउंट ब्रिजर्टन की भूमिका निभाई है निकोला कफलान ने पेनेलोप फेदरिंगटन की भूमिका निभाई है एडजुआ एंडोह ने लेडी डैनबरी की भूमिका निभाई है अगाथा के रूप में एडजोआ एंडोह लेडी डैनबरी लंदन समाज की तेजतरार अंतर्दृष्टिपूर्ण प्रतिभावान महिला जो अपने चतुर तरीके से काम करने के लिए जानी जाती है जूली एंड्रयूज एक निंदनीय समाज समाचार पत्र की लेखिका लेडी विसलडाउन की आवाज के रूप में लोरेन एशबोर्न श्रीमती वर्ली फेदरिंगटन की हाउसकीपर और पोर्टिया की विश्वासपात्र के रूप में एंथोनी के रूप में जोनाथन बेली नवे विस्काउंट ब्रिजर्टन ब्रिजर्टन के सबसे बड़े बेटे और परिवार के मुखिया जिनकी शादी सीजन दो की सह प्रमुख काउंटेस ब्रिजर्टन से हुई है मरीना के रूप में रूबी बारकर, लेडी क्रेन नी थॉम्पसन एक ग्रामीण कुलीन परिवार की फेदरिंगटन चचेरी बहन जो एक गुप्त गर्भावस्था रखती है सीजन एक अतिथि सीजन दो सिएना रोसो एक ओपेरा गायिका और एंथनी के पूर्व प्रेमी के रूप में सबरीना बाटलेट सीजन एक फिलिपा फिंच नी फेदरिंगटन मध्य फेदरिंगटन की बेटी के रूप में हैरियट कैंस बेसी कार्टर प्रूडेस फेदरिंगटन के रूप में फेदरिंगटन की सबसे बड़ी बेटी पेनेलोप फेदरिंगटन के रूप में निकोला कफलान फेदरिंगटन की सबसे छोटी बेटी और एलोइस की करीबी दोस्त वह लेखिका लेडी विसलडाउन है जैसा कि सीजन एक के समापन में बताया गया था सीजन तीन के लिए सेह प्रमुख फोएबे डायनेवर डैफने बेसेट नी ब्रिजर्टन डचेस ऑफ हिस्टिक्स चार ब्रिजर्टन की चौथी संतान और सबसे बड़ी बेटी के रूप में सीजन एक सीजन एक से दो के लिए सह प्रमुख वायलेट के रूप में रूथ जे मेल डोवेगर विस्काउंटेस ब्रिजर्टन ब्रिजर्टन बच्चों की मां हेसिंथ ब्रिजर्टन के रूप में फ्लोरेंस हंट ब्रिजर्टन का आठवां और सबसे छोटा बच्चा एलोइस ब्रिजर्टन के रूप में क्लाउडिया जेसी ब्रिजर्टन की पांचवी संतान और दूसरी बेटी जो एक उग्र नारीवादी है जो समाज और परंपरा का जमकर विरोध करती है आर्ची बाल्द के रूप में बेन मिलर बैरन फेदरिंगटन फेदरिंगटन परिवार के मुखिया जो एक जोखिम भरा जुआरी है सीजन एक कॉलिन ब्रिजर्टन के रूप में ल्यूक न्यूटन ब्रिजर्टन के तीसरे बेटे और सीजन तीन के सह प्रमुख हेस्टिक्स के ड्यूक साइमन बैसेट के रूप में रेगेजीन पेज पांच लंदन के सबसे योग्य कुंवारे लोगों में से एक जो सीजन एक सीजन एक के सह प्रमुख डैफने से शादी करता है गोल्डा रोशुवेल रानी चार्लोथ यूनाइटेड किंगडम की रानी और किंग जॉर्ज थ्री की पत्नी के रूप में रूबी स्टोक्स सीजन एक से दो और हन्ना डोड सीजन तीन फ्रांसेस्का ब्रिजर्टन के रूप में ब्रिजर्टन की छठी संतान और तीसरी बेटी जो एक शौकीन पियानो वादक है बेनेडिक्ट ब्रिजर्टन के रूप में ल्यूक थॉम्पसन ब्रिजर्टन के दूसरे बेटे और एक कलाकार विल टिलस्टन ग्रेगरी ब्रिजर्टन के रूप में ब्रिजर्टन का सातवां बच्चा और सबसे छोटा बेटा पोर्टिया के रूप में पोली वॉकर डाउजर बैरोनेस फेदरिंगटन फेदरिंगटन परिवार की कुलमाता कथानी केट के रूप में सिमोन एशले विस्काउंटेस ब्रिजर्टन नी शर्मा एक स्पिनस्टर जो भारत से आई थी सीजन दो सीजन दो वर्तमान के लिए सह प्रमुख चरित्र चंद्रन एडविना शर्मा के रूप में केट की छोटी सौतेली बहन, सीजन दो लेडी मैरी शर्मा नीशेफील्द केट की सौतेली मां और एडविना की माँ के रूप में शेली कॉन सीजन दो विल मोंड्रिच के रूप में मार्टिंस इम्हांगबे, सज्जनों के क्लब के मालिक सेवानिवृत्त मुक्केबाज और ड्यूक ऑफ हेस्टिक्स के विश्वासपात्र उनके बेटे को बाद में सीजन तीन में केंट का ड्यूक बनाया गया सीजन दो वर्तमान आवर्ती सीजन एक शार्प के रूप में कैलम लिंच लेडी विसलडाउन पेनेलोप द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रिंटिंग शॉप में एक प्रशिक्षु जो एलोइस से दोस्ती करती है सीजन दो जैक के रूप में रूपर्ट यंग बैरन फेदरिंगटन फेदरिंगटन परिवार का नया मुखिया सीजन दो जॉन स्टर्लिंग किलमार्टिन के अर्ल फ्रांसेस्का के प्रेमी के रूप में विक्टर एली सीजन तीन लेडी अरामिंटा काउपर क्रेसिडा की मां के रूप में जोआना बोबिन सीजन तीन आवर्ती सीजन एक से दो क्रेसिडा के पिता लॉर्ड काउपर के रूप में डोमिनिक कोलमैन सीजन तीन आवर्ती सीजन दो लेडी डैनबरी के भाई मार्कस एंडरसन के रूप में डैनियल फ्रांसिस सीजन तीन क्रेसिडा काउपर के रूप में जेसिका मैडसेन एक गपशप फैलाने वाली और डैफने की प्रतिद्वंद्वी नवोदित कलाकार सीजन तीन आवर्ती सीजन एक से दो लेडी टिली अर्नोल्ड के रूप में हन्ना न्यू बेनेडिक्ट की प्रेमिका सीजन तीन आवर्ती रोज नोलन के रूप में मॉली मैकग्लिन डैफने की वफादार नौकरानी और विश्वासपात्र सीजन एक जैफ्रीज बेसेट्स बटलर के रूप में जेसन बारनेत सीजन एक ब्रिम्सले के रूप में ह्यूग सेक्स रानी के गपशप फैलाने वाले सचिव और रानी के आदमी जेराल्डिन एलेक्जेंडर श्रीमती विल्सन के रूप में ब्रिजर्टन्स की हाउसकीपर जेनेविव डेलाक्रोइक्स के रूप में कैथरीन ड्राइस्टेल एक उच्च समाज की मॉडेस्ट और ड्रेसमेकर जो लेडी विसलडाउन पेनेलोप के साथ काम करती है ब्रिजर्टन्स के बटलर हम्बोल्ट के रूप में साइमन लुडर्स सर हेनरी ग्रानविले के रूप में जूलियन ओवेंडेन एक कलाकार जो बेनेडिक्ट से दोस्ती करता है सीजन एक जॉन के रूप में ओली हिगिनसन ब्रिजर्टन परिवार में एक फुटमैन जो अक्सर एलोइस के लिए काम करता है एलिस मोन्ड्रिच विल मोन्ड्रिच की पत्नी के रूप में एम्मा नाओमी लेडी सीता मल्होत्रा के रूप में बनिता संधू फ्रांसेस्का के साथ पहली बार साथ कलाकार अतिथि जेमी बीमिश निगेल बैरन बर्ब्रुक डैफ्ने के प्रेमी के रूप में सीजन एक लेडी बर्ब्रुक निगेल की मां के रूप में कैरोलिन क्वेंटिन सीजन एक रानी के पोते प्रशिया के राजकुमार फ्रेडरिक के रूप में फ्रेडी स्ट्रोमा सीजन एक लेडी ट्रोब्रिज के रूप में एमी बेथहेस एक अर्ल की सुखवादी विधवा सीजन एक यूनाइटेड किंगडम के राजा किंग जॉर्ज थ्री के रूप में जेम्स फ्लीट किटी लैंगेहेम एक जनरल की पत्नी के रूप में सेलिन बकेस सीजन एक सर फिलिप क्रेन के रूप में क्रिस फुल्टन मरीना के पति एक बैरोनेट सारा बेसेट डचेस ऑफ हिस्टिक्स साइमन की मां के रूप में डेफने डिसिंटो सीजन एक ड्यूक ऑफ हिस्टिक्स साइमन के पिता के रूप में रिचर्ड पेपल सीजन एक श्रीमती कोल्सन के रूप में पिपा हेवुड हिस्टिक्स कंट्री एस्टेट में हाउसकीपर सीजन एक लॉर्ड शेफील्ड लेडी मैरी के पिता और एडविना के दादा के रूप में एंथोनी हेड सीजन दो लेडी शेफील्ड लेडी मैरी की माँ और एडविना की दादी के रूप में शोबू कपूर सीजन दो रूपर्ट इवांस एडमंड आठवें विस्काउंट ब्रिजर्टन ब्रिजर्टन बच्चों के पिता सीजन दो एपिसोड्स मौसम एपिसोड मूल रूप से जारी किया गया वन आठ पच्चीस दिसंबर दो हजार बीस आठ पच्चीस मार्च दो हजार बाईस थ्री सिक्स आठ चार सोलह मई दो हजार चौबीस चार तेरह जून दो हजार चौबीस सीजन एक दो हजार बीस सीजन जिस उपन्यास पर आधारित है उसके लिए द ड्यूक एंड आई देखें नहीं कुल मिलाकर नहीं सीजन में शीर्षक निर्देशक टेलीप्ले द्वारा मूल रिलीज दिनांक एक एक पहले पानी का हीरा जूली एनी रॉबिन्सन क्रिस वान डुसेन 25 दिसंबर 2020 जैसे ही 1813 का सामाजिक सीजन शुरू होता है रहस्य में लेडी विसलडाउन द्वारा लिखी गई एक स्कैंडल शीट लंदन में प्रसारित होने लगती है डेफने ब्रिजर्टन ने समाज में पदार्पण किया और क्वीन चार्लोट ने अन्य नवोदित कलाकारों की तुलना में उनकी उच्च प्रशंसा की इसमें तीन फेदरिंगटन बहने शामिल हैं जिन्हें बाद में पता चला कि उनकी दूर की चचेरी बहन मरीना थॉम्पसन सीजन के लिए उनके साथ रहेगी डैफने का बड़ा भाई एंथोनी विस्काउंट ब्रिजर्टन घृणित लॉर्ड बर्ब्रुक को छोड़कर कई संभावित दावेदारों को भगा देता है और उसकी लोकप्रियता को मरीना द्वारा ग्रहण किए जाने का खतरा है जिससे रानी और लेडी फेदरिंगटन परेशान हो जाती है इस बीच हेस्टिक्स के नए ड्यूक और एंथनी के पुराने दोस्त साइमन बैसेट अपने पिता की मृत्यु पर लंदन लौट आए उसकी पुरानी परिचित लेडी डैनबरी उसे सीजन में शामिल होने के लिए मनाती है जहां उसका सामना एंथोनी और डेफने दोनों से होता है अपनी मालकिन सिएना रोसो के साथ संबंध तोड़ने के बाद एंथोनी ने डाफने को बरब्रुक से वादा किया जिससे वह काफी भयभीत हो गई लेडी फेदरिंगटन ने मरीना का सामना किया यह अनुमान लगाते हुए कि वह गर्भवती है बाद में एक कार्यक्रम से उसका पीछा करने के बाद बरब्रुक डैफने पर आरोप लगाता है और वह आत्मरक्षा में उसे घूंसा मारती है कुछ क्षण पहले पहुंचने पर साइमन ने उसे सुझाव दिया कि वे उसकी संभावनाओं को बढ़ाने और उसे अपने किसी से मुक्त करने के लिए अदालत में जाने का नाटक करें डैफने सहमत हो जाती है और नया जोड़ा तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है फ्लैशबैक से साइमन के दुखद बचपन का पता चलता है प्रसव के दौरान उसकी मां की मृत्यु हो जाने के बाद साइमन के क्रूर पिता ने उसके हकलाने का पता चलने पर उसे अस्वीकार कर दिया लेडी डैनबरी उनकी सहायता के लिए आईं, उनकी शिक्षा की निगरानी की और उनके भाषण संबंधी मुद्दों को दूर करने में उनकी मदद की अपने पिता की लापरवाही का बदला लेने के लिए साइमन ने उनकी मृत्युशया पर उनसे प्रतिज्ञा की कि वह कभी कोई उत्तराधिकारी पैदा नहीं करेगा वर्तमान में रानी लेडी विसलडाउन के लेखन से और अधिक निराश हो गई है पेनेलोप फेदरिंगटन ने एलोइस ब्रिजर्टन के साथ अपना भ्रम साझा किया कि एक बच्चे की कल्पना कैसे की जाती है मरीना को लेडी फेदरिंगटन ने अपने कमरे तक ही सीमित रखा है लेकिन पेनेलोप के साथ साझा करती है कि उसकी गर्भावस्था सर जॉर्ज क्रेन नामक एक व्यक्ति के प्यार के कारण हुई थी जो स्पेन में लड़ रहा है साइमन और डैफने की चाल पूरी तरह से काम करती है लेकिन एंथोनी साइमन द्वारा अपनी बहन का कथित पीछा करने से परेशान है जब साइमन एंथोनी को बताता है कि लॉर्ड बर्ब्रुक ने डैफ्ने के साथ क्या करने की कोशिश की तो एंथोनी ने लॉर्ड बर्ब्रुक के साथ अपना समझौता तोड़ दिया हालांकि बर्ब्रुक एक विशेष विवाह लाइसेंस प्राप्त करता है और डैफ्ने के नाम को बर्बाद करने की धमकी देता है लेडी ब्रिजर्टन हस्तक्षेप करती है और एक घोटाले का खुलासा करने के लिए लेडी विसलडाउन को प्रभावित करने में सक्षम होती है जो बर्ब्रुक को लंदन छोड़ने के लिए मजबूर करती है तीन तीन आर्ट ऑफ द स्वून टॉम वेरिका लीला कोहनमिकियो 25 दिसंबर 2020 साइमन के करीब आने पर डैफ्ने ने कई प्रस्ताव ठुकरा दिए लेडी फेदरिंगटन मरीना के लिए एक रिश्ता ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन वह जॉर्ज से शब्द की प्रतीक्षा करने पर जोर देती है यह साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित कि वह अभी भी लंदन समाज की सच्ची शासक है रानी ने डैफने को अपने भतीजे प्रशिया के सुंदर और दयालु राजकुमार फ्रेडरिक से मिलाने की योजना बनाई लेडी डैनबरी साइमन से कहती है कि उसे बेहतर मैच के लिए रास्ता बनाने के लिए डैफने को प्रपोज करना होगा या अलग हटना होगा और साइमन अनिच्छा से नकली प्रेमालाप को बंद कर देता है बेनेडिक्ट ब्रिजर्टन को एलोइस पर लेडी विसलडाउन होने का संदेह है लेकिन इसके बजाय उसे पता चलता है कि वे दोनों अपनी संभावनाओं से असंतुष्ट है एंथोनी सिएना के साथ मेलमिलाप करने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे ठुकरा देती है मरीना को जॉर्ज से एक पत्र मिला जिसमें उसने अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था लेकिन मरीना को पता नहीं चला कि यह पत्र लेडी फेदरिंगटन द्वारा जाली था लेडी ब्रिजर्टन एंथोनी को अपने लिए मैच के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है साइमन ने लंदन जल्दी छोड़ने का फैसला किया क्योंकि टूटे हुए दिल वाले डैफ्ने ने प्रिंस फ्रेडरिक का ध्यान आकर्षित किया चार चार सम्मान का मामला शेरे फोल्क्सन एबी मैकडोनाल्ड 25 दिसंबर 2020 हजार बीस प्रिंस फ्रेडरिक डैफ्ने को महल में आमंत्रित करता है और उसे एक सुंदर हार उपहार में देता है मरीना को जल्द से जल्द शादी करने के प्रयास में उत्तराधिकारियों की चाह रखने वाले पुराने प्रेमी प्रेमिकाओं के सामने पेश किया जाता है एलोइस लेडी व्हिसलडाउन की पहचान उजागर करने का संकल्प लेती है डेफने प्रिंस फ्रेडरिक के साथ एक मुक्केबाजी मैच में भाग लेती है मरीना को एक बुजुर्ग प्रेमी का मनोरंजन करने के लिए मजबूर किया जाता है और कॉलिन ब्रिजर्टन जो उसके कई शुरुआती प्रशंसकों में से एक है द्वारा उसे बचाया जाता है प्रिक्स फ्रेडरिक एक शानदार समारोह में प्रस्ताव देने की तैयारी करता है लेकिन अनिर्णीत डैफ्ने बगीचे में भाग जाता है जहां साइमन अलविदा कहने और माफी मांगने के लिए उसके पास आता है अभिभूत और परेशान डैफ्ने एक हेज भूल भूलैया में भाग जाता है साइमन पीछा करता है और दोनों एक भावुक अचानक चुंबन साझा करते हैं लेकिन एंथोनी द्वारा खोजे जाते हैं एंथोनी ने गुस्से में मांग की कि दोनों शादी कर लें और जब साइमन ने इनकार कर दिया तो उसने उसे भोर में द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दी पेनेलोप मरीना में कॉलिन की रुचि से निराश हो जाती है क्योंकि वह कुछ समय से उससे गुप्त रूप से प्यार करती थी और यह अनजाने में उसे एलोइस के साथ लड़ने का कारण बनता है एंथोनी ने खुद को समाज से मुक्त करने और सिएना के साथ रहने के लिए द्वंद्व का उपयोग करने की योजना बनाई है लेडी फेदरिंगटन को अपने पति के जुए के कर्ज की सीमा का पता चलता है और यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जब तक वह उन्हें चुका नहीं सकता उनकी बेटियां दहेज से वंचित रहेंगी और वे मरीना को समर्थन देना जारी रखने के लिए मजबूर होंगी डैफने को पता चलता है कि प्रिक्स फ्रेडरिक के प्रतिद्वंदी क्रेसिडा काउपर ने बगीचे में जो कुछ हुआ और द्वंद्व को रोकने के लिए दौड़ देखी उसने देखा साइमन का दावा है कि वह उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे बच्चे मुहैया नहीं करा सकता अपने विकल्पों पर विचार करते हुए डैफ्ने ने दृढ़ता से घोषणा की कि वे किसी भी तरह शादी करेंगे पांच पांच द ड्यूक एंड आई शेरे फोल्कसन जॉयसी मिशेल 25 दिसंबर 2020। पूरी व्यवस्था से साइमन के अत्यधिक असंतोष के बावजूद डैफ्ने और साइमन ने एक विशेष विवाह लाइसेंस के लिए याचिका दायर की लेकिन डेफने द्वारा अपने भतीजे को अस्वीकार करने पर रानी की नाराज़गी के कारण इनकार कर दिया गया प्रिक्स फ्रेडरिक ने समापन के लिए डैफ़ने का दौरा किया एंथोनी ने सिएना की देखभाल करने का वादा किया है चाहे कुछ भी हो लेकिन उसकी दोस्त मामूली जेनेवीव डेलाक्रोइक्स का दावा है कि उसने शहर छोड़ दिया है जैसे जैसे फेदरिंगटन घर में पैसे की समस्या आ रही है बेनेलोप को मरीना में कॉलिन की रुचि के प्रति और अधिक ईर्ष्या होने लगती है और वह मरीना के इरादों से सावधान हो जाती है क्रेसिडा और डेफने एक दूसरे का सामना करते हैं और डेफने क्रेसिडा को भविष्य की डचेस को धमकी देने के खिलाफ चेतावनी देते हैं कलाकार सर हेनरी ग्रानविले ने बेनेडिक्ट को एक पार्टी में आमंत्रित किया है लेडी फेदरिंगटन ने मरीना को कॉलिन का पीछा करना बंद करने का आदेश दिया लेकिन मरीना ने उसे आश्वासन दिया कि उसके पास एक योजना है साइमन और डैफ़ने ने रानी से शीघ्र विवाह की अपील की किंग जॉर्ज के और अधिक अक्षम होने के साथ रानी साइमन द्वारा डैफ्ने के प्रति प्रेम की अचानक घोषणा और उससे शादी करने की भावुक अपील से प्रभावित हो गई साइमन और डैफ़ने की शादी एक साधारण चर्च समारोह में हुई उसे बहकाने की असफल कोशिश के बाद मरीना को शादी के रिसेप्शन में कॉलिन से एक प्रस्ताव मिलता है लेकिन यह जानकर निराश हो जाती है कि वह लंबी सगाई की इच्छा रखता है रानी एलोइस द्वारा लेडी विसलडाउन की पहचान की जांच में दिलचस्पी लेती है लेडी ब्रिजर्टन डैफने को यह समझाने का प्रयास करती है कि उसकी शादी की रात क्या होगा लेकिन उसके अस्पष्ट रूपक डैफ्ने को उत्तरों से अधिक प्रश्नों के साथ छोड़ देते हैं साइमन के पारिवारिक घर क्लाइवेडन के रास्ते में वह और डेफने एक सराय में रात बिताते हैं अंततः डेफने ने साइमन से उसके प्रति उसकी उदासीनता का सामना किया और उसे यह स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया कि रानी के समक्ष उसके प्यार की घोषणा वास्तविक थी डेफने ने खुलासा किया कि वह भी ऐसा ही महसूस करती है और डैफ्ने की जागरूकता की कमी के बावजूद यह जोड़ा अपनी शादी को संपन्न करता है छ छे, छे स्विश जूली एनी रॉबिन्सन सारा डोलार्ड 25 दिसंबर 2020 साइमन और डेफने अपने हनीमून के लिए क्लाइवेडन पहुंचते हैं और रोमांटिक और यौन दोनों तरह से एक साथ काफी समय बिताते हैं डेफने को क्लाइवेडन की गृहस्वामी श्रीमती कोल्सन के साथ संबंध बनाने में कठिनाई होती है जो प्रोटोकॉल का पालन करने में डेफने की अरुचि से चुपचाप निराश हो जाती है जैसे कि स्थानीय ग्रामीण तब होते हैं जब डैफ्ने मेले में स्वर प्रतियोगिता के विजेता का नाम बताने से इनकार कर देता है कॉलिन ने मरीना के साथ अपनी सगाई की घोषणा की जिससे उसका परिवार और पेनेलोप निराश हो गए पेनेलोप ने कॉलिन को यह बताकर उसका मन बदलने का प्रयास किया कि मरीना किसी अन्य व्यक्ति से प्यार करती है लेकिन वह इससे चिंतित नहीं है और मरीना को सुझाव देता है कि उन्हें स्कॉटलैंड की यात्रा करके योजना से पहले शादी कर लेनी चाहिए साइमन ने यह सुनने के बाद अपना ध्यान किताबों की ओर लगाया कि उसके किराएदारों का किराया बढ़ गया है जबकि डेफने को बताया गया कि उसने विजेता सुअर का चयन करके गांव को नाराज कर दिया क्योंकि विजेता को क्लाइवेडन के आपूर्तिकर्ता के रूप में चुना गया होता डेफने श्रीमती कोल्सन से अपनी भूमिका के लिए मदद का अनुरोध करती है जो उन्हें साइमन के पालन पोषण के बारे में और अधिक बताती है पेनेलोप ने निष्कर्ष निकाला कि जॉर्ज का पत्र नकली था लेकिन मरीना ने जॉर्ज से आगे बढ़ने का इरादा रखते हुए कॉलिन से शादी करने का विकल्प चुना कॉलिन के प्रति पेनेलोप की रक्षात्मकता मरीना को एहसास दिलाती है कि वह उससे प्यार करती है वह स्पष्ट रूप से पेनेलोप की भावनाओं की निंदा करती है और उसे यह स्वीकार करने का निर्देश देती है कि कॉलिन उससे कभी प्यार नहीं करेगा क्योंकि वह मरीना से प्यार करता है जिससे पेनेलोप की आंखों में आंसू आ जाते हैं अपनी महिला नौकरानी की मदद से डेफने को पता चला कि अगर साइमन चाहे तो उसके बच्चे हो सकते हैं लेकिन वह उसे गर्भवती करने से बचने के लिए जानबूझकर जल्दी वापस जा रहा है बाद में साइमन के साथ यौन संबंध बनाते समय वह उसे पकड़कर रखती है ताकि वह पीछे न हट सके और बाद में उसका सामना करती है और उस पर बांझ होने के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाती है जैसे ही कॉलिन और मरीना भागने की तैयारी करते हैं लेडी विसलडाउन के नवीनतम प्रकाशन से पता चलता है कि मरीना लंदन पहुंचने से पहले से ही गर्भवती थी साइमन और डेफने का विवाद जारी है और डैफने अपने भाई से जुड़े घोटाले को दूर करने में सहायता करने के लिए लंदन लौटने का फैसला करती है साइमन स्वेच्छा से उसके साथ जुड़ता है लेकिन अब वह डैफ्ने से अलग रहना चाहता है यदि उसके कोई बच्चा नहीं है एलोइस ने लेडी विसलडाउन की जांच जारी रखते हुए अपने पदार्पण की तैयारी शुरू कर दी अब वह उसे फेदरिंगटन नाम को बहाल करने के लिए मनाने की इच्छा रखती है डैफने कॉलिन और मरीना के लिए एक व्यवस्थित बैठक की व्यवस्था करता है जहां कॉलिन यह जानकर निराश हो जाता है कि मरीना अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है लेडी विसलडाउन को उजागर करने में एलोइस की विफलता पर रानी चिड़चिड़ी हो जाती है और बाद में मरीना के घोटाले में उनकी भूमिका के कारण फेदरिंगटन को अपने लंच से बाहर निकाल देती है लेडी डैनबरी ने डैफने को टन की विवाहित महिलाओं के साथ एक जीवंत पार्टी में आमंत्रित किया जहां डेफने सर जॉर्ज का पता लगाने की उम्मीद में एक जनरल की पत्नी की मदद लेती है अपने कर्ज को चुकाने के लिए लॉर्ड फेदरिंगटन बॉक्सर विल मोन्द्रिज से संपर्क करते हैं ताकि उन्हें अपनी अगली लड़ाई के लिए मना सकें विल इस पर विचार करता है क्योंकि लॉर्ड फेदरिंगटन ने जो धन की पेशकश की है उससे उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है डैफने को लेकर एंथोनी और साइमन के बीच मारपीट हो जाती है जबकि डैफने को पता चलता है कि साइमन ने अपने पिता से कसम खाई थी कि वह बच्चे पैदा नहीं करेगा लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है एलोइस ने निष्कर्ष निकाला कि जेनेविव डेलाक्रोइक्स लेडी विसलडाउन की असली पहचान के लिए सबसे संभावित उम्मीदवार है मरीना गर्भपात कराने का प्रयास करती है और पेनेलोप उसे बेहोश पाता है ओपेरा में डैफने को पता चलता है कि वह मासिक धर्म से गुजर रही है और इसलिए गर्भवती नहीं है वह अपनी मां की गोद में साइमन के कान में रोती है आठ आठ बारिश के बाद एलरिक रिले क्रिसवान डुसेन 25 दिसंबर 2020 सर फिलिप क्रेन मरीना को यह बताने के लिए आते हैं कि उनका भाई जॉर्ज युद्ध में मर गया और उसे एक आधा अधूरा पत्र देते हैं जिससे पता चलता है कि जॉर्ज उससे शादी करना चाहता था फ़िलिप ने खुद मरीना से शादी करने की पेशकश की लेकिन उसने यह मानते हुए उसे ठुकरा दिया कि उसने अपनी गर्भावस्था समाप्त कर ली है एलोइस जेनेवीव का सामना करता है और उसे लेडी विसलडाउन मानते हुए गुप्त रूप से उसे फेदरिंगटन के पक्ष में लिखने के लिए मनाने की कोशिश करता है डेफने को लेडी डैनबरी से साइमन के बचपन के बारे में पता चलता है और उसे वे पत्र मिलते हैं जो साइमन ने बचपन में अपने पिता को लिखे थे जो कभी नहीं पढ़े गए थे डैफ्ने के छोटे भाई बहनों के साथ समय बिताने के बाद साइमन पुनर्विचार करता है कि वह क्या चाहता है एंथोनी ने सिएना को डैफ्ने और साइमन के लंदन स्थित घर में एक समारोह के लिए आमंत्रित किया लेकिन विचार करने के बाद सिएना ने एंथोनी को सूचित किया कि वह अपने जीवन से संतुष्ट है और उसे आगे बढ़ना चाहिए विल के मुक्केबाजी मैच से पहले लॉर्ड फेदरिंगटन ने उसके खिलाफ बदनाम सट्टेबाज़ों के साथ दाव लगाया वे लड़ाई हार जाता है और लॉर्ड फेदरिंगटन की जीत का आधा हिस्सा प्राप्त कर लेता है जबकि बाद में उसके सहयोगियों द्वारा लॉर्ड फेदरिंगटन की हत्या कर दी जाती है मरीना को पता चलता है कि वह अभी भी गर्भवती है और अंत फिलिप से शादी करने के लिए लंदन चली जाती है ऐसा प्रतीत होता है कि पेनेलोप कॉलिन से अपने प्यार का इजहार करने पर विचार कर रही है लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती उसने खुलासा किया कि वह ग्रीस जा रहा है और मरीना के बारे में उसे चेतावनी देने के लिए उसे धन्यवाद देती है रानी के एजेंट लेडी विसलडाउन को पकड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन एलोइस उसे संकेत दे देता है जिससे वह भागने में सफल हो जाती है डैफ़ने द्वारा यह बताने के बाद कि वह साइमन के पिता के क्रूर व्यवहार के बारे में जानती है गेंद के दौरान दोनों में सुलह हो जाती है एंथोनी ने घोषणा की कि उसने शादी करने का फैसला किया है लेकिन प्यार में पढ़ने का उसका इरादा नहीं है एलोइस को पता चलता है कि जेनेवीव लेडी विसलडाउन नहीं हो सकती क्योंकि वह फ्रांस के लिए रवाना हो गई है और लेखक को केवल पेनेलोप के रूप में दर्शकों के सामने प्रकट किया गया है फ्लैश फॉरवर्ड में डैफ्ने और साइमन का पहला बच्चा एक बेटा है सीजन दो 2022 सीजन जिस उपन्यास पर आधारित है उसके लिए द विस्काउंट हूं लवड मी देखें नहीं कुल मिलाकर नहीं सीजन में शीर्षक निर्देशक टेलीप्ले द्वारा मूल रिलीज दिनांक नौ एक कैपिटल आर रेक ट्रिसिया ब्रॉक क्रिस वान डुसेन 25 मार्च 2022। हज़ार बाईस एंथोनी एक पत्नी की तलाश शुरू कर देता है और तुरंत सीजन के सबसे योग्य कुंवारे लोगों में से एक बन जाता है वह कई योग्य महिलाओं से मिलता है लेकिन कोई भी संभावना उसे आकर्षित नहीं करती एलोइस समाज में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार है लेकिन लेडी विसलडाउन की स्कैंडल शीट की वापसी से रानी के सामने उसकी प्रस्तुति बाधित हो जाती है सुबह की सवारी में एंथोनी की मुलाकात एक युवा महिला से होती है जिसे बाद में पता चलता है कि वह मिसकेट शर्मा है लेडी डैनबरी ने सीजन के लिए शर्मा परिवार को प्रायोजित किया है और केट और उसकी सौतेली मां लेडी मैरी का लक्ष्य मैरी की निपुण बेटी एडविना के लिए एक पति ढूंढना है एडविना एक प्रेम विवाह चाहती है लेकिन केट के विपरीत वह इस बात से अनजान है कि मैरी के कुलीन माता पिता ने इस शर्त पर पारिवारिक भाग्य तक पहुंच की पेशकश की है कि वह किसी सहकर्मी से शादी करेगी केट ने एंथोनी को अन्य सज्जनों के एक समूह के सामने यह घोषणा करते हुए सुना कि उसे इसकी परवाह नहीं है कि वह अपनी पत्नी से तब तक प्यार करता है जब तक वह सहमत है रानी एडविना को सीजन का हीरा बताती है और एंथोनी उसे अपनी पत्नी बनाने का संकल्प करता है इस बीच फेदरिंगटन के नए उत्तराधिकारी जैक के लंदन पहुंचने से पहले पोटिया अपने परिवार की वित्तीय स्थिति को लेकर संघर्ष करती है एडविना ने कई दावेदारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और केट ने यह तय करने की जिम्मेदारी ली है कि एडविना किन लोगों से मिलेगी एंथनी को निराशा हुई कि वह एंथनी द्वारा उसके साथ प्रेमालाप करने के सख्त खिलाफ़ है कॉलिन अपनी यात्रा से लौट आता है जबकि एलोइस एक बार फिर लेडी विसलडाउन की पहचान जानने के लिए उत्सुक हो जाता है यह जानने के बाद कि एडविना एक अन्य स्वामी के साथ घुड़दौड़ में होगी एंथोनी अपने परिवार को ले जाता है और एडविना के साथ खुद को मिलाने में कामयाब होता है रानी चार्लोट ने लेडी विसलडाउन का भंडाफोर करने के लिए एडविना का इस्तेमाल करने की योजना बनाई और शर्मा परिवार को महल में आमंत्रित किया बेनेडिक्ट कला का अध्ययन करने की संभावना का मनोरंजन करता है एंथोनी ने लेडी डैनबरी द्वारा आयोजित एक समारोह में अपने भाषण से एडविना को प्रभावित किया जिससे केट काफी निराश हुई मम डेला क्रोइक्स ने पेनेलोप को बाज़ार में पकड़ लिया ग्यारह तीन ए बी इन योर बोनथ एलेक्स पिल्ली सारा एल थॉम्पसन 25 मार्च 2022। 10 दस साल पहले के फ्लैशबैक में दिवंगत विस्काउंट एडमंड ब्रिजर्टन एंथोनी के साथ शिकार करने जाते हैं जब वे घर वापस पहुंचे तो एडमंड को मधुमक्खी ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई इसके बाद के फ्लैशबैक में एडमंड की मृत्यु के बाद वायलेट के दुहैक और एंथोनी को नया विस्काउंट बनने के लिए झेले गए दबाव को दर्शाया गया है वर्तमान समय में ब्रिजर्टन अपने देश की संपत्ति में अपनी प्रतिष्ठित वार्षिक गेंद की तैयारी कर रहे हैं और एंथोनी ने शर्मा को पार्टी से पहले कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आमंत्रित किया है केट और एडविना के साथ भाईभन पैलमॉल का एक उत्साही खेल खेलते हैं जिसके परिणामस्वरूप एंथोनी और केट जंगल में गेंदे निकालते समय अपने कपड़े गंदे कर लेते हैं केट को निराशा हुई एंथोनी ने एडविना को आकर्षित किया और डिनर पर प्रपोज करने की कोशिश की लेकिन आखिरी क्षण में पीछे हट गया बेनेडिक्ट को रॉयल अकादमी स्कूलों में स्वीकार किया जाता है जबकि एलोइस महिलाओं के अधिकारों में रुचि लेती है इस डर से कि जैक क्रेसिडा का ऊपर से शादी करेगा और फेदरिंगटन महिलाओं को उनके घर से बाहर निकाल देगा पोर्टिया ने प्रूडेंस से उसकी शादी कराने की साजिश रची पेनेलोप ने मम्मी को भर्ती किया डेला क्रोइक्स लेडी विसलडाउन योजना का हिस्सा बनेगी ऑब्रे हॉल के बगीचे में केट को मधुमक्खी ने काट लिया जिससे एंथोनी घबरा गया दोनों लगभग चुंबन करते हैं बारह चार विजय एलेक्स पिल्ली क्रिस वैन डुसेन और जेस ब्राउनेल 25 मार्च 2022 ब्रिजर्टन बॉल के लिए मेहमान ऑबरे हॉल में पहुंचने लगे उनके आपसी आकर्षण से अनजान एडविना केट को एंथोनी के साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करती है यह सोचकर कि केट की अस्वीकृति उसे प्रस्ताव देने से रोकती है केट पुरुषों के साथ शिकार पर जाती है जहां वह और एंथोनी एक और शारीरिक क्षण साझा करते हैं कॉलिन मरीना जो अब लेडी क्रेन है से मिलने जाता है और उसके नए पति से मिलता है मरीना की शादी खुश नहीं है लेकिन वह उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है और अन्य लोग भी हैं जो उसके ध्यान के लायक है डैफने एडविना को जानने की कोशिश करती है लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं है कि वह एंथोनी के लिए उपयुक्त है पोर्टिया जैक और प्रूडेंस को शादी के लिए मजबूर करने के लिए अकेले पकड़ने की व्यवस्था करती है लेकिन जैक को पता चलता है कि वह गुप्त रूप से दरिद्र है और क्रेसिडा से उसके भाग्य के लिए शादी करने की योजना बना रहा था डैफ्ने ने लाइब्रेरी में एंथोनी और केट को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया और एंथोनी से अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार रहने का आग्रह किया जैसे ही शर्मा लंदन के लिए प्रस्थान करने की तैयारी करते हैं एंथोनी एडविना को प्रस्ताव देते हैं और वह स्वीकार कर लेती है तेरह पांच एक अकल्पनीय भाग्य टॉम वेरिका एबी मैकडोनाल्ड पच्चीस मार्च दो हज़ार बाईस रानी चार्लोट ने एंथोनी और एडविना की सगाई को दिल से स्वीकार कर लिया और यहाँ तक कि शादी को प्रायोजित करने की पेशकश भी की दोनों परिवार सैर पर जाते हैं जब किट किसी दूसरे आदमी के साथ नाव की सवारी पर जाती है तो एंथोनी को ईर्ष्या होने लगती है एलोइस समान अधिकारों के बारे में एक बैठक में भाग लेने के लिए ब्लूम्सबरी में छिपता है और लेडी विसलडाउन के प्रिंटर के सहायक थियो शार्प से मिलता है मैरी के माता पिता शेफील्ड एडविना से मिलने के लिए लंदन जाते हैं लेकिन रात के खाने में वे मैरी और केट के लिए अवमाना प्रदर्शित करते हैं और उनकी व्यवस्था की एडविना को एक रईस व्यक्ति से शादी करनी चाहिए प्रकाश में आती है तीनों शर्मा महिलाओं का बचाव करते हुए एंथोनी ने शेफील्ड्स को छोड़ने का आदेश दिया लेकिन शादी जारी रखने में झिझक रहा है केट ने उन्हें ऐसा करने के लिए मना लिया भले ही वे अपनी भावनाओं को स्वीकार कर रहे हों यह जानने पर कि कई सज्जन जैक की खदानों में निवेश करने में रुचि रखते हैं पोर्टिया ने उन्हें अपना पैसा लेने के लिए मना लिया चौदह छे विकल्प टॉम वेरिका लूलू इकबोक्वे 25 मार्च 2022 एंथोनी और एडविना की शादी की तैयारियां चल रही है एडविना को लगता है कि एंथोनी उससे प्यार नहीं करता डैफ्ने ने एंथोनी को इसे बंद करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ केट एडविना को पहनने के लिए अपनी मां के कंगन देती है लेकिन उसकी बहन उसे इसके बजाय उन्हें पहनने के लिए कहती है शादी में केट और एंथोनी एक दूसरे को घूरने से खुद को रोक नहीं पाते जब केट अपना कंगन वेदी पर गिराती है एंथोनी उसकी मदद के लिए दौड़ता है एडविना को एहसास होता है कि उनके रिश्ते में कुछ और भी है और वह वेदी से भाग जाती है क्रोधित रानी चार्लोट ने मेहमानों को बगीचे में रुकने के लिए कहा जबकि एडविना ने खुद को शांत किया केट एडविना को अपनी बात समझाने की कोशिश करती है और एंथोनी पुष्टि करता है कि वह शादी का इरादा रखता है आखिरकार एडविना ने फैसला किया कि वह उससे शादी नहीं कर सकती केट और एंथोनी चर्च में अकेले रह गए और चुंबन किया अराजकता में लेडी डैनबरी और वायलेट में सुलह हो जाती है जैक संभावित व्यावसायिक संबंध बनाता है और एलोइस एक बार फिर थियो से मिलने का अवसर लेता है पंद्रह सात सद्भाव चेरिल ड्यूनी ओलिवर गोल्ड स्टिक पच्चीस मार्च दो असफल विवाह के बाद ब्रिजर्टन और शर्मा लेडी डैनबरी के साथ अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद टन से दूर हो गए हैं क्वीन चार्लोट एलोइस पर लेडी विसलडाउन होने का आरोप लगाती है और उसे सफाई पेश करने या अपने परिवार के लिए सजा का जोखिम उठाने के लिए तीन दिन का समय देती है एलोइस ने पेनेलोप को यह बात बताई उसकी रक्षा करने के प्रयास में पेनेलोप लिखती है कि एलोइस को राजनीतिक कट्टरपंथियों के साथ बेपरवाह मित्रता करते देखा गया है यह खबर ब्रिजर्टन को और अधिक घोटाले में उलझा देती है और जिस गेंद की वे मेजबानी कर रहे हैं उस तक कोई नहीं पहुंचता है कॉलिन जैक के साथ निवेश करने पर विचार करता है केट और एंथोनी मैदान में एक गजेबो में एक साथ सोते हैं अगले दिन एंथोनी केट से मिलने का प्रयास करता है लेकिन उसे बताया जाता है कि वह घोड़े पर सवार होकर चली गई है एंथोनी घोड़े पर सवार होकर केट का बरसाती तूफान में पीछा करता है लेकिन उसे घोड़े से गिरा दिया जाता है और वह बेहोश हो जाती है एंथोनी उसे बुलाता है और उसके पास जाता है आखिरी शॉट में वह गीली जमीन पर एक चट्टान के पास अपना सिर रखकर लेटी हुई दिखाई दे रही है केट अभी भी बेहोश है और लेडी विसलडाउन संदिग्ध रूप से शांत है पोर्टिया ने जैक को परिवार की हालिया सफलताओं का जश्न मनाने के लिए एक गेंद की मेजबानी करने के लिए मना लिया और ब्रिजर्टन और शर्मा को आमंत्रित किया जैक उनकी धोखाधड़ी का पता चलने से पहले दोबारा शुरुआत करने के लिए अमेरिका जाने पर विचार करता है एलोइस नेथियो के साथ अपनी दोस्ती ख़त्म कर ली जब पेनेलोप ने उसे झूठा बताया कि नौकर उनके बारे में गपशप कर रहे थे बेनेडिक्ट को पता चला कि संभवतः इंथोनी के दान के कारण उसे अकादमी में स्वीकार किया गया था केट कोमा से जागती है और इंथोनी उसे प्रस्ताव देता है लेकिन वह भारत लौटने की इच्छा का हवाला देते हुए मना कर देती है एडविना केट के साथ मेल मिलाप करती है और उसे गेंद में भाग लेने के लिए मनाती है पेनेलोप द्वारा दो मेहमानों के बारे में गपशप का एक टुकड़ा बताने के बाद एलोइस को पता चलता है कि वह लेडी विसलडाउन है और दोनों बेहस करते हैं जिसके कारण एलोइस ने पेनेलोप के साथ सभी संबंध तोड़ दिए पोर्टिया जैक को चालू कर देती है और उसे वापस अमेरिका भेज देती है जबकि जैक द्वारा एकत्र किए गए अधिकांश धन को अपने पास रख लेती है पेनेलोप ने कॉलिन को अन्य सज्जनों से यह कहते हुए सुना कि वह उसके साथ कभी प्रेमालाप नहीं करेगा और उसके लंबे समय के कृष द्वारा उसे अस्वीकार करने और एलोइस के साथ उसकी दोस्ती के खत्म होने के बारे में रोती है केट और एंथोनी गेंद पर नृत्य करते हैं लेकिन रानी यह दावा करके उनकी प्रतिष्ठा को बड़े करीने से बचाती है कि शादी रद्द करना उसका विचार था एंथोनी और केट एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार करते हैं पेनेलोप ने लेडी विसलडाउन के रूप में आगे बढ़ने का फैसला किया छह महीने की यात्रा के बाद केट और एंथोनी जो अब शादीशुदा है ऑबरे हॉल में पलमॉल के एक और खेल के लिए ब्रिजर्टन के बाकी सदस्यों के साथ शामिल हुए सीजन तीन 2024। सीजन जिस उपन्यास पर आधारित है उसके लिए रोमांसिंग मिस्टर ब्रिजर्टन देखें नहीं कुल मिलाकर नहीं सीजन में शीर्षक सात निर्देशक टेलीप्ले द्वारा आठ मूल रिलीज दिनांक छ भाग पहला सत्रह एक छाया से बाहर त्रिसिया ब्रॉक जेस ब्राउनेल सोलह मई दो हज़ार चौबीस कॉलिन विदेश से लौटता है और ढेर सारी महिलाओं को आकर्षित करता है हालांकि पेनेलोप उसकी पिछली निर्दयी टिप्पणियों के कारण रोमांचित नहीं है फ्रांसेस्का ब्रिजर्टन ने समाज में अपनी शुरुआत की है हालांकि वह अपने भाई बहनों की तुलना में अधिक शर्मीली है और सामाजिक बवंडर के बीच अपने पियानो बजाने के लिए शांति के लिए तरसती है इस बीच एलोइस बदल गई है और अब फैशन में रुचि रखती है और उसकी दोस्ती मतलबी लड़की क्रेसिडा से हो गई है पेनेलोप के साथ अनबन के बाद वायलेट ब्रिजर्टन को निराशा हुई लेडी व्हिसलडाउन की प्रशंसा के बावजूद क्वीन चार्लोट को नवोदित कलाकारों में कोई खास दिलचस्पी नहीं है लेडी पोर्टिया फेदरिंगटन अपनी बेटियों को उनकी संपत्ति बनाए रखने के लिए सुरक्षित उत्तराधिकारी सुनिश्चित करने में व्यस्त है इस बीच पेनेलोप अपने परिवार द्वारा दबा हुआ महसूस करते हुए एक मेकओवर से गुजरती है मोंड्रिच परिवार को अपने बेटे के लिए केंट के नए अर्ल के रूप में एक उपाधि मिलती है जो अप्रत्याशित धन लाता है और उन्हें समाज में धकेलता है डेनबरी गेंद पर पेनेलोप का नया रूप ध्यान आकर्षित करता है लेकिन क्रेसिडा द्वारा आयोजित एक अपमानजनक घटना की ओर ले जाता है जिससे पेनेलोप भाग जाता है और कॉलिन उसका पीछा करता है वह माफी मांगने की कोशिश करता है व्हीसलडाउन घोटाले से अनजान जो उसने उसके बारे में लिखा था बाद में कॉलिन पेनेलोप से माफ़ी मांगता है और अपनी दोस्ती को सुधारते हुए उसे एक पति ढूंढने में मदद करने की पेशकश करता है हालांकि पेनेलोप को व्हिसलडाउन के अपने कड़वे अंश के परिणाम का सामना करना पड़ता है क्योंकि कॉलिन स्कैंडलशीट लेखक को बेनकाब करने की कसम खाता है जिससे उसकी गुप्त पहचान को खतरा होता है अठारह दो चांद कितना चमकीला है ट्रिसिया ब्रॉक सारा एल थॉम्पसन 16 मई 2024 क्वीन चार्लोट लेडी व्सिसाउन की गपशप से अप्रभावित रहती है और सीजन का हीरा चुनने में अपना समय लेती है जल्दबाज़ी करने के बजाय वह लड़कियों को खुद को प्रभावित करने देने का फ़ैसला करती है जिससे संभावित रूप से अराजकता पैदा हो सकती है मोन्द्रिच एक भव्य संपत्ति में चले जाते हैं लेकिन अपने अलग शयनकक्षों और श्रीमती मोन्द्रिच को विरासत में मिली पुरानी पोशाकों से नाखुश है हालांकि वह उनमें फिट होने के लिए उन्हें बदलने की योजना बना रही है लेडी डैनबरी ब्रिजर्टन्स के साथ जानकारी साझा करती है और पोर्टिया फेदरिंगटन अपनी बेटियों से उनके वैवाहिक संबंधों के बारे में पूछताछ करती है पेनेलोप और कॉलिन का रिश्ता एक आकर्षक पृष्ठभूमि का खुलासा करते हुए एक सैरगाह पर अपने कौशल का परीक्षण करने के लिए छेड़खानी के पाठ के माध्यम से गहरा हो गया है कॉलिन पेनेलोप को एक गेंद पर सामाजिक मेलजोल बढ़ाने में मदद करता है जिससे हास्यपूर्ण और अजीब क्षण सामने आते हैं एलोइस ने गलती से कॉलिन और पेनेलोप की व्यवस्था को बहुत ज्यादा फैला दिया जिससे एक घोटाला हुआ और कॉलिन और एलोइस के बीच मनमुटाव पैदा हो गया लेडी फेदरिंगटन अपनी बेटियों को यौन अंतर्दृष्टि और संपत्ति खोने से बचने के लिए उत्तराधिकारी कैसे पैदा किया जाए के बारे में निर्देश देती है आगे के संदेह से बचने के लिए पेनेलोप व्सलडाउन में अपने बारे में लिखती है पेनेलोप का आत्मसंदेह उसे कॉलिन से चुंबन के लिए कहने के लिए प्रेरित करता है जिसके परिणामस्वरूप एक भावुक क्षण आता है जो गहरी भावनाओं का संकेत देता है कॉलिन पेनेलोप के साथ अपने चुंबन के बारे में उत्तेजक सपने देखना जारी रखता है जिससे उसकी अवचेतन भावनाओं का पता चलता है नाश्ते के समय कॉलिन ने पेनेलोप के बारे में पारिवारिक चर्चाओं के बावजूद अजीब तरह से उसके साथ किसी भी निकटता से इनकार कर दिया गपशप में अपनी भूमिका से व्यथित होकर एलोइस व्हिसलडाउन के कठोर शब्दों के लिए माफी मांगने के लिए पेनेलोप से मिलने जाती है लेकिन अंदर आने से इनकार कर देती है एलोइस के समझाने पर पेनेलोप टहलने जाता है और कॉलिन का सामना करता है जिससे एक असहज बातचीत शुरू हो जाती है जहां पेनेलोप सुझाव देता है कि वे खुद से दूरी बना लें एक पार्टी में पेनेलोप छिप जाता है जबकि कॉलिन के दोस्त उसकी मदद करने के लिए उसकी सराहना करते हैं जब पेनेलोप लॉर्ड डेब्लिंग के साथ जुड़ती है तो कॉलिन को उलझन महसूस होती है जो गपशप का विषय बनने के बारे में उसकी ईमानदारी की सराहना करता है क्रेसिडा भी डेबलिंग का पीछा करती है जिससे प्रतिद्वंद्विता पैदा होती है एक गर्म हवा के गुब्बारे की प्रदर्शनी में कॉलिन ने वीरतापूर्वक पेनेलोप को एक भागते हुए गुब्बारे से बचाया लेकिन इसका श्रेय डेब्लिंग को मिला जिससे कॉलिन को काफी निराशा हुई बाद में एक गेंद पर पेनेलोप की डेब्लिंग के साथ उसके वास्तविक हितों के बारे में स्पष्ट बातचीत ने उसे प्रभावित किया फ्रांसेस का सज्जनों से तब मिलती है जब वे एक स्वागत योग्य मौन क्षण एक साथ साझा करते हैं इस बीच वायलेट ब्रिजर्टन ने कॉलिन को प्यार के बारे में सलाह देते हुए संकेत दिया कि दोस्ती से रोमांस हो सकता है वायलेट लेडी डैनबरी के भाई से भी मिलती है जो उससे मिलने आया है बेनेडिक्ट एक खूबसूरत दहेज महिला लेडी टिली अर्नोल से मिलता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है जिसे वह आकस्मिक अंतरंगता के लिए चाहता है कॉलिन पेनेलोप के पास जाने का प्रयास करता है लेकिन डेबलिंग हस्तक्षेप करता है जिससे कॉलिन निराश हो जाता है चूंकि पेनेलोप अपनी सफलता का आनंद ले रही है कॉलिन को उसकी भावनाओं का सामना करना होगा बीस चार पुराने दोस्त एंड्रयू आहन लॉरेन गैम्बल सोलह मई दो हजार चौबीस फेदरिंगटन परिवार के हस्तक्षेप के बावजूद डेबलिंग की पेनेलोप यात्रा सफल रही जो अब उसके लाभप्रद मैच के कारण उसे अपने साथ पाकर अधिक खुश है कॉलिन ब्रिजर्टन पेनेलोप के लिए अपनी भावनाओं से इनकार करना जारी रखता है जबकि बेनेडिक्ट विधवा लेडी अर्नोल्ड के साथ अपनी कामुक मुठभेड़ जारी रखता है लेडी डैनबरी अपने भाई से परेशान है और रानी लेडी विसलडाउन की अच्छी प्रेस से खुश है एक रहस्यमय अतिथि लॉर्ड किलमार्टिन एक अर्ल वह सज्जन व्यक्ति जिसके साथ फ्रांसेस्का ने एक आरामदायक चुप्पी साझा की थी कॉल करने आता है जो फ्रांसेस का ब्रिजर्टन को प्रसन्न करता है लेकिन उसके परिवार को भ्रमित करता है एक और प्रेमी की उम्मीद करता है पेनेलोप बाद में डेब्लिंग के साथ एक बड़े पुस्तकालय की यात्रा का आनंद लेती है जो उसके बौद्धिक हितों की सराहना करता है उनकी अनुकूलता के बावजूद पेनेलोप कॉलिन पर नजर रखता रहता है डेब्लिंग को प्रपोज करने में दिलचस्पी है लेकिन उसे पेनेलोप की व्याकुलता का एहसास होता है इस बीच अन्य महिलाओं की संगति में अरुचि महसूस करने के बाद कॉलिन को पेनेलोप के प्रति अपने स्नेह का एहसास होता है फ्रांसेस्का की लॉर्ड किलमार्टिन के साथ एक अजीब मुठभेड़ होती है जो बाद में उसे एक विचारशील उपहार देता है एक गेंद पर पेनेलोप डेबलिंग के साथ नृत्य करती है लेकिन कॉलिन उसे रोक देता है जो उसे ठोस कारण बताए बिना डेब्लिंग से शादी करने के खिलाफ चेतावनी देता है कॉलिन के लिए पेनेलोप की भावनाओं को देखते हुए डेबलिंग ने प्रस्ताव न देने का फैसला किया इससे पेनेलोप और उसकी मां पोर्टिया के बीच टकराव होता है कॉलिन ने पेनेलोप के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जिसके बाद एक भावुक क्षण आया और उसने अपने परिवार के सामने अपनी सगाई की घोषणा की भाग दो इक्कीस पांच टिक टॉक टीबीए अजिया स्क्वायर तेरह जून दो हजार चौबीस बाईस रोमांसिंग मिस्टर ब्रिजर्टन टीबीए टीबीए तेरह जून 2024 हजार चौबीस तेईस सात हाथ मिलाना टॉम वेरिका नौ गीतिका टंडन छिपकली तेरह जून 2024 हज़ार चौबीस चौबीस आठ प्रकाश में टॉम वेरिका नौ डैनियल रॉबिन्सन तेरह जून 2024 उत्पादन विकास सीजन एक ब्रिजर्टन के कार्यकारी निर्माता शोंडा राइम्स 20 जुलाई 2018 को नेटफ़्लिक्स ने घोषणा की कि शोंडा राइम्स अपनी प्रोडक्शन कंपनी शोंडा लैंड के माध्यम से जूलिया क्विन द्वारा ब्रिजर्टन श्रृंखला के सबसे अधिक बिकने वाले उपन्यासों का स्क्रीन रूपांतरण तैयार करेगी जबकि क्रिस वान डुसेन श्रोता के रूप में काम करेंगे दस क्विन ने द टैमरॉन हॉल शो में बताया कि जब उसने अपने एजेंट से सुना कि राइम्स को उसके उपन्यासों को अपनाने में दिलचस्पी है तो वह लगभग बेहोश हो गई और तुरंत इस प्रस्ताव पर सहमत हो गई ग्यारह शो के सीजन एक में द ड्यूक एंड आई को रूपांतरित किया गया जो क्विन की श्रृंखला की पहली पुस्तक थी वान डुसेन ने शोंडालैंड के एक लेख में कहा मुझे लगता है कि पीरियड शो को थोड़ा पारंपरिक और रूढ़िवादी माना जाता है ब्रिजर्टन के साथ मैं एक पीरियड शो के बारे में जो कुछ भी मुझे पसंद था उसे लेना चाहता था और इसे कुछ ताज़ा सामेक और प्रासंगिक बनाना चाहता था ट्वेल्व सीजन दो पहला सीजन प्रसारित होने से पहले शो पहले से ही दूसरे सीजन के लिए प्री प्रोडक्शन में था जिसकी आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी तेरह चौदह यह इंथनी पर केंद्रित है और द विस्काउंट हु लव्ड मी पुस्तक पर आधारित है 15, चौदह तेरह अप्रैल 2021 को निर्माता वैन ड्यूसे ने ट्विटर पर खुलासा किया कि श्रृंखला को तीसरे और चौथे सीजन के लिए भी नवीनीकृत किया गया था। 16, 17 सीजन तीन पहले दो सीजन के विपरीत जो पुस्तक श्रृंखला के क्रम का अनुसरण करते थे तीसरा सीजन कॉलिन पर केंद्रित होगा जो क्विन के चौथे उपन्यास रोमांसिंग मिस्टर ब्रिजर्टन पर आधारित है अठारह जेस ब्राउनेल तीसरे और चौथे सीजन के लिए लेखक और श्रोता के रूप में वैन ड्यूसेन की जगह लेंगे उपन्यासों की श्रृंखला के विपरीत 21 ब्रिजर्टन नस्लीय रूप से एकीकृत लंदन के साथ एक वैकल्पिक इतिहास पर आधारित है जहां रंगीन लोग टन के सदस्य हैं, कुछ के पास संप्रभु द्वारा दी गई उपाधियां हैं निर्माता क्रिस वान डुसेन 1940 के दशक में क्वीन चार्लोट के अफ्रीकी वंश के दावों पर ऐतिहासिक बेहद से प्रेरित थे शो को एक वैकल्पिक इतिहास पर आधारित करने के लिए जिसमें क्वीन चार्लोट की मिश्रित नस्ल विरासत न केवल अच्छी तरह से स्थापित थी बल्कि काले लोगों के लिए परिवर्तनकारी थी और इंग्लैंड में रंग के अन्य लोग बाईस तेईस चौबीस पच्चीस वैन डुसेन का कहना है कि श्रृंखला रंगंधा नहीं है क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि रंग और नस्ल पर कभी विचार नहीं किया गया जबकि रंग और नस्ल शो का हिस्सा है 26 सीजन एक 19 जून 2019 को जूली एंड्रियूज को लेडी विसलडाउन के रूप में चुना गया जिनकी आवाजोवर श्रृंखला की अधिकांश गतिविधियों को समझाती है 27 इसके अलावा फोबे डायनेवर और रेगेजीन पेज को जोनाथन बेली गोल्डा रोशुवेल ल्यूक न्यूटन क्लाउडिया जेसी निकोला कफलान रूबी बार्कर सबरीना बार्टलेट, रूथ जेमेल एडजोआ एंडोह और पोली वॉकर के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था अभिनीत 28 जुलाई के अंत में ल्यूक थॉम्पसन विल टिलस्टन फ्लोरेंस हंट और रूबी स्टोक्स को शेष चार ब्रिजर्टन भाई बहनों के रूप में चुना गया कलाकारों में बेन मिलर बेसी कार्टर हैरियट कैंस मार्टिंस इम्हांगबे और लोरेन एशबोर्न शामिल थे 29 सीजन दो 21 जनवरी 2021 को यह घोषणा की गई कि जोनाथन बेली एंथोनी के रूप में अपनी भूमिका को दोहराएंगे और शो के द्वितीय सीजन का केंद्र होंगे अगले महीने सिमोन एशले को केट की भूमिका के लिए चुना गया 30. 5 अप्रैल 2021 को चरित्र चंद्रन एडविना के रूप में कलाकारों में शामिल हुईं रूपर्ट यंग एक नया किरदार निभाने के लिए शामिल हुए इकतीस शेली कॉन को केट की सौतेली मां और एडविना की मां मैरी के रूप में चुना गया था और कैलम लिंच को थियो शार्प के रूप में लिया गया बत्तीस अट्ठाईस मई 2021 को रूपर्ट इवांस ब्रिजर्टन परिवार के दिवंगत मुखिया एडमंड ब्रिजर्टन के रूप में कलाकारों में शामिल हुए थर्टी वापस आने के लिए कहे जाने के बावजूद पेज दूसरे सीजन के लिए नहीं लौटे क्योंकि उन्होंने केवल एक साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और शो के बाहर अन्य अवसरों की तलाश करना चाहते थे 34, 35 सीजन तीन अप्रैल 2022 में बेली और एशले को विस्काउंट और विस्काउंटिस ब्रिजर्टन के रूप में तीसरे सीजन के लिए लौटने की पुष्टि की गई थी जिसमें वे इसी नाम के परिवार के मुखिया के रूप में अपने विवाहित जीवन और कर्तव्यों की खोज करेंगे छत्तीस अगले महीने हन्ना डोड को तीसरे सीजन के लिए रूबी स्टोक्स की जगह फ्रांसेस्का ब्रिजर्टन के रूप में चुना गया लॉकवुड एंड कंपनी के साथ शेड्यूल संबंधी टकराव के कारण स्टोक्स शो से बाहर हो गए सैंतीस चंद्रन सीजन के लिए एडविना के रूप में अपनी भूमिका दोबारा नहीं निभाएंगी अड़तीस जुलाई 2022 में डैनियल फ्रांसिस सैम फिलिप्स और जेम्स फून को तीसरे सीजन के लिए अज्ञात क्षमताओं में चुना गया था उनतालीस अक्टूबर 2022 में हन्ना न्यू लेडी टिली अर्नोल्ड के रूप में कलाकारों में शामिल हुईं चालीस जनवरी 2023 में डायनेवर ने पुष्टि की कि वह तीसरे सीजन में दिखाई नहीं देंगी लेकिन भविष्य में लौटने के लिए तैयार रहीं फिल्मांकन सीजन एक मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2019 में शुरू हुई और फरवरी 2020 के अंत में पूरी हुई 41 ब्रिजर्टन को लंदन और बाथ 42 के साथ साथ इंग्लैंड के आसपास के विभिन्न एस्टेट और पार्कों में फिल्माया गया था हालांकि यह श्रृंखला लंदन में होती है अधिकांश सड़क दृश्य बाथ यॉर्क और चैथम में फिल्माए गए थे विल्टन हाउस के मैदान का उपयोग हाइड पार्क के लिए किया गया था और सोमरली के मैदान का उपयोग है इंपस्टेड हीथ के लिए किया गया था बगीचे के दृश्य कोबम के पास पेंसिल और चैथम में कमिश्नर हाउस में फिल्माए गए 43 रेंजर हाउस का उपयोग लंदन में ब्रिजर्टन परिवार के घर के बाहरी हिस्से के रूप में किया जाता है फिल्मांकन स्थानों में ग्रीनविच में रेंजर हाउस लंदन में ब्रिजर्टन हाउस के बाहरी हिस्से में खड़ा शामिल था आरएएफ हॉल्टन में हॉल्टन हाउस ब्रिजर्टन हाउस इंटीरियर ब्रि� फेदरिंगटन का इंटीरियर विल्टन हाउस साइमन हिस्टिक्स हाउस क्लाइवेडन एस्टेट इंटीरियर सेंट जेम्स पैलेस सिंहासन कक्ष साइन हाउस और बैडमिंटन हाउस हिस्टिक्स हाउस कैसल हॉवर्ड क्लाइवेडन एस्टेट कोनी स्टोर पे क्लाइवेडॉन गाव हेम्पटन कोर्ट पैलेस और लैंकेस्टर हाउस सेंट जेम्स पैलेस होलबर्न संग्रहालय लेडी डैनबरी की संपत्ति हेडफील्ड हाउस फेदरिंगटन का इंटीरियर नंबर एक रॉयल क्रिसेंट ग्रोसवेनर स्क्वायर क्वींस हाउस और समरली समरसेट हाउस और वकील कोर्ट कोचिंग सराय 44, 45. फोर्टी वॉक्स हॉल प्लेजर गार्डन अब अपनी संपूर्णता में मौजूद नहीं है प्रोडक्शन टीम ने कैसल हॉवर्ड और स्टोव पार्क के साथ शेष हिस्सों को मिलाकर लेडी डैनबरी की गेंद के लिए इसे फिर से बनाया गिल्ड हॉल बाथ के भोज कक्ष का उपयोग एक अन्य गेंद के साथ साथ समरसेट में लेह कोर्ट के ग्रेट हॉल के लिए किया गया था 46. सिक्स एंथोनी ब्रिजर्टन और साइमन बेसेट मध्य लंदन के पाल मॉल में वास्तविक जीवन के रिफ़ॉर्म क्लब में मिलते हैं सैंतालीस वह दृश्य जिसमें लेडी फेदरिंगटन मरीना को झुग्गियों में ले जाती है केन्थ के चैथम डॉकयार्ड में फिल्माया गया था टेडिंगटन में नॉर्मन सफील्ड थिएटर के अलावा यहाँ बॉक्सिंग दृश्य भी फिल्माए गए थे थिएटर के दृश्य हैकनी एम्पायर में फिल्माए गए थे बाथ में एक कैफे पिकल ग्रीन्स को मोडिस्ट शॉप की साइट के रूप में इस्तेमाल किया गया था और ट्रिम स्ट्रीट पर नंबर पांच स्टोर पर बाथरूम गुंटर की चाय की दुकान की साइट बन गया फोर्डी एट पोशाक का नेतृत्व एलेन मिरोजनिक ने किया था और इसमें 200 से अधिक लोग शामिल थे और 5000 हज़ार पोशाकें बनाने के लिए पांच महीने की तैयारी की गई थी 49 दूसरे सीजन का निर्माण मार्च 2021 में शुरू हुआ 50 मई 2021 में यह बताया गया कि विंसर और मेडेनहेद के रॉयल बरो ने शाही मंजूरी के बावजूद विंसर के पास सनिंगहिल पार्क में दूसरे सीजन के लिए फ़िल्म सेट बनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया इक्यावन पंद्रह जुलाई 2021 को दूसरे सीजन का उत्पादन 24 घंटे के लिए रोक दिया गया था जब चालक दल के एक सदस्य ने सीओवीआईडी माइनस उन्नीस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था लेकिन अगले दिन फिर से शुरू हो गया हालांकि 17 जुलाई को दूसरे सकारात्मक परीक्षण के बाद उत्पादन अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया था बावन उत्पादन अगस्त 2021 में फिर से शुरू हुआ तिरपन दूसरे सीजन का उत्पादन 20 नवंबर 2021 को पूरा हुआ 54 सीजन दो के लिए नए फिल्मांकन स्थानों में रोथम पार्क ब्रिजर्टन के देश के घर हॉल के लिए खड़ा शामिल है वेस्ट वाइकोम्बे पार्क हॉल इंटीरियर और क्रेन एस्टेट रेस्ट पार्क इविंगहो बीकन और एशरिज ऑरेंजरी और ओबरे हॉल मैदान रॉयल काउंटी ऑफ बर्कशायर पोलो क्लब रॉयल एस्कॉत ओल्ड रॉयल नेवल कॉलेज विंसर ग्रेट पार्क जंगल के दृश्य गोल्ड स्मिथ्स हॉल बकिंगहम महल सिंहासन कक्ष और विल्टन का संगीत हॉल नारीवादी बैठक स्थल असली सेंट जेम्स चर्च श्रृंखला में है पेटवर्थ हाउस में कला प्रदर्शन का उपयोग संग्रहालय के दृश्य के लिए किया गया था जिसमें रॉयल आर्टिलरी बैरक को बाहरी हिस्से के रूप में उपयोग किया गया था अंतिम गेंद को बेसिल्डन पार्क में फिल्माया गया था 55 सीजन तीन तीसरे सीजन की प्रमुख फोटोग्राफी जुलाई 2022 में शुरू हुई और मार्च 2023 में समाप्त हुई 56 सीजन तीन में ब्रिजर्टन के लिए नए फिल्मांकन स्थानों में क्लेडन हाउस स्क्वेरिज कोर्ट गार्डन पार्टी के दृश्य ग्रिमस्थोर पे कैसल हॉकिंस निवास बेसिल्डन पार्क अर्नोल्ड निवास और ब्लेनहिम पैलेस बकिंगहम हाउस के लिए खड़े शामिल है 57 संगीत अधिक जानकारी ब्रिजर्टन का संगीत अमेरिकी संगीतकार और पियानोवादक क्रिस बोवर्स ने श्रृंखला के लिए संगीत तैयार किया और उसे व्यवस्थित किया बोवर्स ने पहले सीजन का साउंड ट्रैक लिखा और संगीतबद्ध किया जिसमें 19 गाने थे संगीतकारों ने कोविड 19 महामारी के दौरान अपने होम स्टूडियो से दूर से स्कोर रिकॉर्ड किया 58 सीजन एक पहले सीजन में समकालीन लोकप्रिय संगीत के आर्केस्ट्रा कवर शामिल थे जिसके बारे में निर्देशक और कार्यकारी निर्माता जूली एनी रॉबिन्सन ने कहा कि यह 2001 की फ़िल्म ए नाइट स्टेल में क्लासिक रॉक गीतों के उपयोग से प्रेरित था उनसठ विशेष रूप से प्रदर्शित गानों में एरियाना ग्रांडे का थैंक यू नेक्स्ट मरून पांच का गर्ल्स लाइक यू शॉन मेंडेस का इन माई ब्लर और बिली इलिश का बैड गाई ये चारों शामिल है विटामिन स्ट्रिंग चौकड़ी द्वारा प्रदर्शन किया गया इसमें बोवर्स द्वारा प्रस्तुत सेलेस्टे का स्ट्रेंज और डुओमो द्वारा प्रस्तुत टेलर स्विफ्ट का वाइल्डेस्ट ड्रीम्स भी शामिल है अट्ठावन बोवर्स में शास्त्रीय संगीत की आधुनिक व्याख्याएं भी शामिल है जैसे पीटर ग्रेगसन के डी मेजर में बाख का सेलो सूट नंबर छह पीटर ग्रेगसन द्वारा पुनर्निर्मित बाख द सेलो सूट और मैक्स रिक्टर से विवाल्डी का द फोर सीजन्स मैक्स रिक्टर द्वारा पुनर्निर्मित विवाल्डी द फोर सीजन्स साठ पहले सीजन में जेपोल्ड का द एंड भी शामिल था जिसमें स्विंगी मेलोडी लेकिन गहन गीत है सिक्सटी वन सीजन दो दूसरे सीजन में कवर में विटामिन स्ट्रिंग चौकड़ी द्वारा निर्वाण की स्टे अवे और रॉबिन की डांसिंग ऑन माय ओन मैडोना की मटेरियल गर्ल फिल्म के साउंड ट्रैक से कभी खुशी कभी गम शामिल है एक ही नाम और बोवर्स द्वारा केल्विन हैरिस का हाउ डीप इज योर लव इसके अलावा एलानिस मोरिस्टेट की यू नो no, और डुओमो की पिंक की वहाट अस स्टीव हॉर्नर की हेरी स्टाइल्स की साइन ऑफ द टाइम्स वी और जो रोडवेल की रिहाना की डायमंड्स और शामिल है मिडनाइट स्ट्रिंग चौकड़ी द्वारा माइली साइरस की रेकिंग बॉल इबासठ शो को बढ़ावा देने के लिए मोरिसेट एक वीडियो में डुओमो के साथ यू नो का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए सीजन दो के संगीत पर चर्चा करते समय संगीत पर्यवेक्षक जस्टिन क्रैम्प्स ने बताया कि यहाँ तक कि इन गीतों के लिए जो कि सिर्फ विशाल गीत है जिन्हें हर कोई जानता है एक वाद्य संस्करण अभी भी नई जान फूंकता है और उन्हें नए दर्शकों के सामने लाता है और एक अलग तरीके से पॉप वह जगह है जहां से हम शुरुआत करते हैं क्योंकि यह शो की शैली में फिट बैठता है और इसमें अक्सर इन सुपर्फ चाने योग्य गीतों का उपयोग किया जाता है जो बहुत अधिक आनंद जोड़ते हैं जो सामान्य तौर पर पॉप करता है 63. रिलीज सीजन एक ब्रिजर्टन के पहले सीजन के आठ एपिसोड 25 दिसंबर 2020 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने लगे 64, 65, 66. सीजन दो नेटफ्लिक्स के सितंबर 2021 हजार इक्कीस टूडम एक सटेंडेड टैलेंट पैनल के दौरान प्रसारित सीजन दो के एक दृश्य का पूर्वावलोकन सड़सठ जिसके बाद फर्स्ट लुक स्टिल आया अड़सठ चौदह फरवरी 2022 को दूसरे सीजन का पहला टीजर ट्रेलर जारी किया गया उनहत्तर सीजन के आठ एपिसोड 25 मार्च 2022 को रिलीज होने से पहले 22 मार्च 2022 को लंदन इंग्लैंड में टेट मॉडर्न में एक विश्व प्रीमियर आयोजित किया गया था सेवनी प्रशंसित वेस्ट एंड प्लेकॉक में मुख्य भूमिका के रूप में तीन महीने की प्रतिबद्धता के कारण जोनाथन बेली शो के प्रचार के हिस्से के रूप में प्रेस टॉक शो एफवाईसी इवेंट और यहां तक कि मेट गाला से चूक गए थे सेवेंटी वन सीजन तीन दोस्तों इस सीरीज के बारे में बात की जाए तो नेटफ्लिक्स पर भी ये एक तरह से नंबर वन पर ट्रेंडिंग पर चल रही है साथ ही साथ गूगल पर भी ये नंबर वन पर चल रही है टोटल सीरीज़ की बात की जाए तो सेक्शन थ्री के साथ बीस एपिसोड देखने को मिला है पार्ट टू हमें देखने को मिलेगा जिसमें तीन से चार एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं बाकी इसके एपिसोड जो पार्ट वन के हैं दो से तीन तीन या चार वो एक तरह से रिलीज हो चुके हैं नेटफ्लिक्स पर आप वहाँ पर जाकर इसे देख पाओगे तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में